फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था पीकू, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी भी थे, और बड़ा ही बेहतरीन अभिनय किया था उन्होंने कि कॉन्स्टिपेशन के मरीज को जो जो दिक्कतें आती हैं, जो उसकी कंडीशन होती है, जिस तरीके से वो बर्दाश्त करता है सारी चीजें, जो भी चीजें होती है, उसका बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया था। तो एक बार हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो चीज मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ आप सभी से। बड़ा ही सिंपल सा नुस्खा है, कोई भी कर सकता है, बट कुछ प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स मैं आपको बता के चलूंगी, ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम सभी जानते हैं कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। इसके कई कारण है, कई सारे कारण है, ऐसा नहीं कि गलत खान पान की वजह से ही होता है। गलत खान पान तो रीजन है ही, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं, हम लोग कई बार जो खाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होता, हम बहुत जल्दी खाना निगल लेते हैं, या हम लोग बहुत ज्यादा घनिष्ठ भोजन करते हैं, इसके कारण जो होता है थोड़ा बहुत बड़ा क्योंकि हम लोग नॉर्मल रोटी पुराने जमाने में, देखिए मैदा पुराने जमाने की अगर बात करें तो साल में 2 ही बार खाया जाता था, लेकिन अब तो शुरुआत ही मैदे से होती है। हमें ब्रेड भी मैदे वाली चाहिए, हमें रोटी में भी आटे में भी मैदा मिलाकर खाना है, हमें पिज्जा बर्गर वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, मैदा ही तो है, मैदा जो डाइजेस्ट होने में इतना टाइम ले लेता है। तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है आप जानते हैं कि एक नाली की तरह बना हुआ है, सैनिटरी सिस्टम की तरह बना हुआ है, जैसे नालियां होती है ना, आप देखते ड्रेनेज है, जो हमारे हम शहरों में रहते हैं, हम जानते हैं कि हम ये जो जितना भी हमारे जो भी हमारे घरों की गंदगी है कहाँ से निकलती है, ड्रेनेज में तो जाती है, ड्रेन्स में जाती है। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारे घर की नाली ब्लॉक हो जाती है तो होता क्या है कि वो गंदगी वापस से हमारे घर के अंदर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रही है, वो कूड़ा वहीं जम गया है। ठीक उसी तरीके से हमारी इंटेस्टाइन, ये नालियां ही तो बनाई है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर से जो गंदगी है उससे बाहर निकालकर बिल्कुल बाहर फेंक देती है। अब अगर इंटेस्टाइन, मान लीजिए एक नाली है, एक सैनिटरी सिस्टम है, और वहां पर कुछ ब्लॉक हो गया है, तो होगा क्या, वो गंदगी जो हमारे जिसम से बाहर चली जानी चाहिए वो वापिस आनी शुरू हो जाती है वापिस से। जैसे कि अब गंदगी वापिस कैसे आएगी, ऐसा तो नहीं कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन, अगर हम बाहर नहीं निकाल पा रहे तो मुंह से बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, बड़ी खतरनाक बीमारियां होती है सब, जैसे कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी, एसिडिटी बहुत ज्यादा होने लगती है जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता। उसके अलावा आप देखते कि बहुत ज्यादा इंसान कुछ खा रहा है तो उसका खाने का मन नहीं रहा, मुंह में से बदबू आनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, ये एक सिम्टम है कि भाई थोड़ा सा ध्यान रख लो कि तुम्हारे शरीर में ये चीज खराब होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अफकोर्स दोस्तों देखिए कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी जिस पर सभी ने PhD कर रखी है आज के टाइम में, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लोर कर मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है और सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है और हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अगर हम, मैंने हमेशा एक चीज बोलती हूँ अपने लेक्चर में कि अगर आप पानी बहुत रुक कर पी रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है, तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम गिलास से पानी पीते ही नहीं है, हम तो बॉटल से पानी पीते, और वो भी खड़े होकर बॉटल मुंह में लगाए, जब तक वो खाली नहीं हो जाएगी हम उसे पीते ही जाएंगे, सांस भी नहीं लेंगे। जबकि तरीका क्या होता है दोस्तों कि एक गिलास पानी को आयुर्वेद के अनुसार हमें 3 मिनट में खाली करना है, और पीने का तरीका क्या होना चाहिए, हल्का सा अपने मुंह में रोकिए उसको, उसे फील कीजिए। सिंपल सा बताऊं मैं, चबाओ, कुछ लोग क्या करते हैं कि मुंह में लेकर इस तरीके से, ऐसा मत कीजिए वो खराब लगता है, आपको मुंह में थोड़ा सा रोकना है उसको, हल्का सा फील कीजिए, उसके बाद उसे निगलिए, फिर दूसरा घूंट लीजिए, फील करना होता है आपको, ताकि आप मुंह में रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लाइवा मिक्स हो जाएगा उसके अंदर और आपने उस पानी को एक तरीके से चबा लिया तो हो जाएगा। आयुर्वेद में बहुत बड़ी बहुत पुरानी कहावत है कि खाने को पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उल्टा ही कर रखा है, प्रकृति के अनुसार हम उसको फॉलो कर रहे हैं।
तो पानी को चबाने का मतलब ये नहीं हम इस तरीके से चबा रहे, नहीं, हल्का सा मुंह में रोकिए, हल्का सा उसे मुंह में घुमा के फिर आप निगलिए। अगर ये 3 मिनट में आपने पूरा कर लिया ना, दोबारा अगर आपको जिंदगी में कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो मेरी कहती है बिना दवाई के आप मरीज को ठीक कर सकते, बिना दवाई के, सिर्फ पानी का उसका तरीका सुधरवा के। दूसरी चीज, जब भी आपके मरीज, आप किसी को भी बता रहे हैं, और हमें ये नहीं करना है कि जब खाना बंद करवा दे, भाई तुम ये मत खाओ, तुम ये मत खाओ, खाने के लिए बोलिए उन्हें, बट उसका भी तरीका होता है। जैसे कि मैंने बोला कि उसके बारे में भी हम लोग क्लास बहुत जल्द आप सभी के लिए लेकर आएंगे, ताकि एक होता है ना वो एक पार्ट जो कहीं मिस हो जाता है, कि हमें बताना होता है एक मरीज को कि भाई तुम्हें ये चीज खानी है और इस तरीके से खानी है, वो वाला पार्ट भी हमें ऐड करना है अपने, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं जानकारी आप सभी के लिए लेती आती रहूंगी, बट फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो ध्यान रखिए कि मरीज को दो चीजें तो आपको बोलनी ही बोलनी, कि भाई पानी बहुत आराम से पिया कीजिए आप, क्योंकि पानी फेंकना नहीं है पेट के अंदर, पानी को पहुंचाना है पेट के अंदर। उसी तरीके से अगर खाना खा रहे हो तो अच्छी तरह के चबाओ, क्योंकि आयुर्वेद में एक बड़ा पुराना दोहा है, भोजन कीजिए धरती पर अलसी पलती, भोजन कीजिए धरती पर अलसी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए वेद न झाके द्वारा। यानी भोजन आप कीजिए धरती पर बैठकर अलसी पलथी मार के, यानी अपने जो टांगे दोनों आपस में रैप करके, और चबा चबा कर खाइए वेद न झाके द्वार, यानी कि अगर आपने खाना प्रॉपर चबा कर खा लिया तो वैद्य को या डॉक्टर को आपका घर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अंदाजा लगाइए कितना पुराना दोहा है, जिसमें पहले ये बात मेंशन कर दी गई, अगर तुमने ये चीज कर ली तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी, लेकिन हमें तो करना ही नहीं है, हम तो उल्टा करेंगे उसका, बिल्कुल विपरीत करना है हमें। उसी तरीके से बीमारियां होती हैं। तो अगर ये दो चीजें सुधरवा दी तो आपने कॉन्स्टिपेशन ठीक कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स भी आ जाते हैं जो 15-20 साल से कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, तो ऑफकोर्स 1-2 दिन 1 हफ्ते में भी हम उनको खाने पीने की आदत ठीक तो कर देते हैं जी, बिल्कुल ओफेरा, हम लोग उनके खाने पीने की आदत तो ठीक कर देते हैं, लेकिन एकदम से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर सकते हैं उनके लिए, मैं सिंपल सा नुस्खा बता रही हूँ आपको, अगर आप वो भी करवा देते हैं उनको काफी बेहतर फील होगा। आपको करना क्या है, एक बॉटल आपको लेनी है, जैसे बिस्लेरी की बॉटल आती है, 1 लीटर पानी आपको लेना है एक पतीले के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, चाहे स्टील का हो, कांसे का हो, डजन मैटर, एक बर्तन के अंदर आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, और उसमें अगर 1 लीटर पानी लेना है, तो अगर कोई भी मरीज ऐसा है कि उसको ऐसा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कि बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन नहीं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप 5 ग्राम सनाए या 1 चम्मच, मान लीजिए 1 चम्मच सनाए, और उस 1 लीटर पानी में भर के डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि सनाए नहीं देनी है, सॉरी, अगर आपको लगता है कि पाउडर नहीं देना है, तो आप सनाए की पत्तियां भी आती हैं, मुट्ठी भर पत्तियां आप उस 1 लीटर पानी में डाल लीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुट्ठी भर पत्तियां आप उस 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, और उसको इतना उबालिए कि वो 1 लीटर 750 मिलीलीटर रह जाए, मतलब 1/4 पार्ट जो है उसका वो उड़ जाए, और जो दो जो उसका भाग है बचा हुआ वो रह जाए, जिस 750 ml जो है पानी उसके अंदर रह जाए। अब आपको करना क्या है, इस पानी को आपको कांच की बोतल में स्टोर करना है। आप चाहे तो आप मरीज को भी बता सकते हैं घर में करने के लिए, आप चाहे तो अपने लिए करना चाहे तो अपने लिए भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, रात को सोने से पहले कंपल्सरी है, 1 कप पानी जो सनाए पत्ती का हमने बनाया है वो आप मरीज को पीने के लिए बोलिए। ध्यान दीजिए कि गुनगुना होना चाहिए पानी, ठीक है? पानी जो है वो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, वापस से गर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कप में से आप उसमें से कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, कि रात भर वो आपकी जो आंतों पर है वो काम करता रहेगा, और सुबह मतलब पीने के 6 घंटे बाद आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर हो जाता है। अगर सनाई की पत्ती मिल रही है तब तो आप पत्तियां ही इस्तेमाल कीजिए, पाउडर मत इस्तेमाल कीजिएगा, बट बाय चांस अगर आपको पत्तियां नहीं मिल पा रही कहीं भी, तो उस स्थिति में आप सनाए पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यहां तक शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को, कि किस तरीके से हम इन चीजों को सकते हैं ताकि दोबारा से इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, ये करना कितने दिन तक है दोस्तों, इसको ऐसा नहीं करना है, लाइफ लॉन्ग नहीं करना है,
सिर्फ 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, चाहे क्रोनिक पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो, 2 हफ्ते का ही ट्रीटमेंट होता है। 2 हफ्ते के दौरान मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल चला जाता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम मरीज के घर पे जाके उसके साथ नहीं रह सकते। हमें नहीं पता कि ठीक होने के बाद वो वापस उसी लाइफस्टाइल में चला जाएगा, क्या वो अपना खान पान ठीक रखेगा या नहीं रखेगा, क्या वो पानी ठीक से पिएगा या खाना ठीक से खाएगा या नहीं खाएगा। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब मरीज ठीक हो जाए और मुझे हमें बताए कि हम डॉक्टर साहब हम बेहतर फील कर रहे हैं, हम ठीक हैं, तो क्या हम ये नुस्खा बंद कर दे? 2 हफ्ते हो गए, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है मरीज से बोलना उस समय कि बिल्कुल आप इस नुस्खे को बंद कर सकते हैं, अब आप स्वस्थ हैं, लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दीजिए।